तो भाई आदि पुरुष की ट्रेलर को लेकर के कुछ और बातें पता चली है जो मैं आपको अभी इसमें बताने वाला हूँ, और कुछ चेंजेस भी हुआ है जो हम पहले जानते थे उसमें थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, तो उसका भी कंफर्मेशन देना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं भाई लोग, उसको सोच के ही आगे चलते रहेंगे। तो थोड़ा सा चेंजेस जो हुआ है उसके बारे में भी कन्फर्म बताने वाला हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, आदि पुरुष का जो जो 3D स्क्रीनिंग होने वाली है, जो मैं पिछले वीडियो में बोला था कि 5:30 को होने वाली है, 9 मई को, ये कंफर्म है वो होने वाली है। लेकिन 8 मई को जो जो थिएटर में रिलीज होगा बोल के कह रहे थे, उसके ऊपर थोड़ा अभी ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि वो होगा कि नहीं। डायरेक्टली 9 मई को मैं भी 3D जो स्क्रीनिंग होने वाली है कुछ स्पेशल थिएटर में, उसका लिस्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा मेरे पास। अभी 4-5 तो लिस्ट आया है। कुछ भाई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं अभी कि कौन सा प्लेस है, कहाँ पे कौन से थिएटर में आएगा, उसका कुछ है तुम मतलब उसके ऊपर भी थोड़ा अपडेट दो बोल करके। तो मेरे पास अभी 4-5 तो थिएटर का जो लिस्ट आया है, जो अभी पब्लिश हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और टोटल लिस्ट जो है वो हमें बाद में पता चलेगा। ओके, तो जो 8 मई को जो थिएटर में आने की जो थोड़ा सा ये बोल रहे थे कि PVR में आएगा वगैरह वगैरह, वो शायद 9 में आएगा अभी के अपडेट के हिसाब से, जो कि 5:30 है, जो अभी बहुत ही जो वायरल है, आप देख सकते हो अभी वायरल हो रहा है भी, हो ट्रेंडिंग कर रहा है। तो 5:30 को वो होगा और डायरेक्टली वही इवनिंग के टाइम पे। ओके, वही इवनिंग के टाइम पे 7:11 या फिर 5:30 को ही डायरेक्टली मतलब यूट्यूब में उसी टाइम को ही हमें देखने को मिलने वाली है। मतलब जो बोला जा रहा था ना कि 9 मई को हमें सुबह सुबह 9:11 AM को देखने को मिलेगा बोल करके, तो वो नहीं होगा, वो 7:11 PM होगा, मतलब इवनिंग के टाइम पे ट्रेलर हमें यूट्यूब पे हर जगह पे देखने को मिलेगा। और उससे पहले 3D स्क्रीनिंग जो है वो कुछ स्पेशल थिएटर में होने वाली है। तो कुछ 5-6 तो मेरे पास आया है, एक्चुअली ईस्ट गोदावरी का आया है, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, दिखा देता हूँ आपको। राजमुंद्री में होने वाला है, सूर्या पैलेस साई कृष्णा राजमुंद्री में, आप लोग को पता होगा वहीं से अगर जो लोग हो। फिर है ये ककीनाडा एक जगह है, वहाँ पे देवी स्क्रीन वन लक्ष्मी, अमलापुरम BVC और मंडापेट कृष्णा। तो इतना कुछ मेरे पास लिस्ट आया है दोस्त, 4 ठो थिएटर का, तो वहाँ पे, और टोटल लिस्ट जो है वो बाद में ये लोग दे देंगे। ओके, तो यार टाइम का इधर उधर हुआ है अभी, कि जो 9:11 AM को हमें ट्रेलर देखने को जो मिलने वाली थी 9 मई को, वो टाइम अभी इवनिंग का बताया जा रहा है कि इवनिंग में ही हमें ट्रेलर देखने को मिलने वाली है, जो कि 5:30 को ये स्क्रीनिंग होगा, 3D स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद शायद 7:11 हो सकता है या फिर 8:01 हो सकता है, इनका जो न्यू मुहूर्त है उस टाइम पे हो जाएगा। तो टाइम ये प्रॉपर टाइम ये लोग बाद में भेजेंगे। और इससे भी एक बड़ी बात ये है कि कल हमें कोई अपडेट देखने को मिल सकती है। ओके, ये मैं कंफर्म आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो अभी न्यूज़ आ रही है, जो वायरल हो रही है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि कल हमें एक अपडेट देखने को मिल सकती है। और हो ना हो, ये जो अपडेट आ रही है, ये अपडेट वो 9 मई की ट्रेलर रिलीज डेट वाला हो, जो कि ऑफिशियल तरीके से ये लोग छोड़ेंगे। टी सीरीज ओम राउत ये लोग अपने 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 ट्विटर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये लोग अपडेट करेंगे। तो अपडेट तो मैं से पहले से आपको बता चुका हूँ कि कोई पोस्टर के साथ ही अपडेट आएगा, तो होपफुली कल एक पोस्टर और अपडेट आ जाए, है ना, कल आ सकती है, कंफर्म मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, जो न्यूज़ वायरल है वो बता रहा हूँ कि कल हमें अपडेट देखने को मिल सकती है, ये ट्रेलर वाली जो 7 मई को अनाउंसमेंट जो बोल रहे थे वो शायद कल हो सकती है, अभी एक न्यूज़ वायरल है। ओके, अगर कल नहीं होता है तो 7 मई कन्फर्म है, ठीक है ना। तो अभी बस इतना कन्फर्म है दोस्त कि 9 मई को हमें फाइनली ट्रेलर देखने को मिल जाएगी, वो भी इवनिंग के टाइम पे। ओके, थिएटर में भी देख सकते हैं 3D में, और हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।